नमस्कार दोस्तों, आज हमारी ज्योमेट्री की क्लास 16 लेके आए हैं हम आप लोगों के लिए। कल हमने आपको पढ़ाया था सर्किल कॉर्ड एंड टेंजेंट पढ़ाया था, उससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ थी वो मैंने आपको कल बता दी थी। तो आज भी जो बची हुई प्रॉपर्टीज थी कल वो नहीं हो पाई थी, तो आज उनको कंटिन्यू करते हैं उसी के आगे। ठीक है, सर्किल से रिलेटेड क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं जिन पर क्वेश्चन आते हैं, या सारी प्रॉपर्टीज़ हम आपको बताएंगे। ठीक है, जो भी सर्किल और कॉर्ड और टेंजेंट से रिलेटेड है। तो कल हमने सर्किल और कॉर्ड से रिलेटेड कुछ देखा था, आज टेंजेंट से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। ठीक है, जो स्पर्शी होती है उससे रिलेटेड देखते हैं। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, जैसे पहली प्रॉपर्टी है कि ये एक सर्किल है, इस सर्किल पर दो टेंजेंट ड्रॉ की गई हैं। ठीक है, ये इसका सेंटर है, इसके इस पर दो टेंजेंट लगाई गई, एक टेंजेंट ये है, एक टेंजेंट ये। ठीक है, यहाँ पे जहाँ पे कट कर रहे हैं वो पी पॉइंट है। ठीक है, और ये सेंटर, इस सेंटर से इसको जोड़ दिया गया और इसको अटैच कर दिया गया। अब कब कभी सेंटर से जो इस जहाँ पे टेंजेंट टच करती है सर्किल को, सेंटर से और इस लाइन को जब ऐड करते हैं तो वहाँ पे जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का एंगल बनता है, और यहाँ पे कितना एंगल बनेगा वो भी 90 डिग्री का। ये प्रॉपर्टी भी याद रखिएगा, सेंटर से किसी भी टेंजेंट जहाँ पे सर्किल को टच करती है, यहाँ पे टच कर रही, यहाँ से अगर इसको अटैच करेंगे तो 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, अब इसमें प्रॉपर्टी क्या होती है कि जितनी भी टेंजेंट होती है वो इक्वल होती है। अगर हम इसको टी बोलें, इसको एस बोलें, ये ओ पॉइंट है सब सेंटर, तो ये टेंजेंट आपस में इक्वल होती है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, और ये जो एंगल होते हैं वो 90 डिग्री के एंगल होते हैं। ठीक है, और इसमें इसी में प्रॉपर्टी देखें तो ये एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होता है। मीन्स अगर हम आपसे बोलें तो एंगल टी पी एस इक्वल है एंगल टी ओ एस। ठीक है, ये एंगल आपस में इक्वल होते हैं, तो इस पर क्वेश्चन आता है, इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप बताइए कि ऐसे क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि ये एंगल दिया गया है 75 डिग्री। ठीक है, तो ये एंगल कितना होगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और ऐसे एग्जाम में आते भी हैं क्वेश्चन। तो आपसे अगर ये पूछ लिया जाएगा ये 75 डिग्री का है तो ये एंगल कितना होगा, तो हमें पता है कि ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, चलते हैं, ये प्रॉपर्टी हो गई। अगली प्रॉपर्टी क्या है वो देखिएगा, अगली प्रॉपर्टी बनाते रहिएगा, ये सारी प्रॉपर्टी साथ में लिखते रहिएगा, अभी बहुत सारे हम क्वेश्चंस करेंगे तब वहाँ पर देखेंगे। अब देखिए, अल्टरनेट सेगमेंट वाली एक प्रॉपर्टी होती है, जरा देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टी, इसके क्वेश्चन आते हैं, मेंस में क्वेश्चन आएंगे आए हैं इस पर। ये एक सर्किल है, इस सर्किल पर एक क्या बना है अंदर, ये एक कॉर्ड है, इनकी एक ट्राइंगल बना है ऐसे। ठीक है, ये एक ट्राइंगल बना है। ठीक है, और यहाँ पर एक टेंजेंट खींची जाती है, ये एक टेंजेंट है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, अल्टरनेट कॉर्ड, ये एक कॉर्ड है, ये एक कॉर्ड है, ये एक कॉर्ड है, तीनों एक कॉर्ड है। तो क्वेश्चन ये होता है, इस प्रॉपर्टी ये है कि ये एंगल थीटा है, कितना है थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा ही होगा। समझ में आ गया ना, पी क्यू आर, ये ऐसे देखते हैं, ये एक टेंजेंट खींची गई है। ठीक है, ये इसको टच कर लीजिए। ठीक है, तो कॉर्ड के साथ, अल्टरनेट कॉर्ड, ये इस कॉर्ड के साथ जितना एंगल बनेगा उतना ही एंगल यहाँ पर होगा इसके अपोजिट पर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है थ्योरम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी क्वेश्चन इस पर आते हैं। उसी तरह अगर हम आपसे कहें कि ये एंगल अगर अल्फा है तो ये भी एंगल ये वाला, समझ में आ रहा ना, वही चीज है ना, अल्टरनेट कॉर्ड, कॉर्ड के साथ जो टेंजेंट एंगल बनाती है उसके अपोजिट में वही एंगल होता है। समझ में आ गया ना। चलिए, एक प्रॉपर्टी इसी में और है छोटी सी, वो भी देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे हम कहें कि ऐसे बनाए फिगर, इसी तरह से है, तो फिगर चेंज है थोड़ा सा, समझ में आ जाए ना। देखिएगा, ये एक कॉर्ड है ऐसे, ये एक एंगल है ये। ठीक है, ये एक सर्किल कॉर्ड्स बन रही है, यहाँ पर कोई टेंजेंट खींची जा रही है, इसको टच करते हैं,
तो यहाँ ये जितना एंगल होगा ये अगर थीटा होगा तो इस अल्टरनेट कॉर्ड इसी के अपोजिट होगा, मीन्स ये एंगल भी थीटा ही होगा। समझ में आ रहा है ना? अगर ये एंगल हम कहते हैं अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा होगा। इसको याद रखिएगा, इस तरह से फिगर बन के आते हैं और इनका यूज़ होता है मेंस वाले क्वेश्चन में, तो यूज़ हो जाता है क्वेश्चन के अंदर से, डायरेक्ट ये नहीं पूछ लेता, ठीक है, किसी ना किसी क्वेश्चन में इनका यूज़ करा देता है, ठीक। प्री में जो क्वेश्चन आते हैं वो डायरेक्ट भी पूछ लिए जाते हैं। समझ में आ गया ना? चलते हैं अगली प्रॉपर्टी पे, इसको मैं इरेज करता हूँ, अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। अगली प्रॉपर्टी क्या है? अगर हम आपसे कहें कि ये एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है, इस लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया, इस लाइन को, यहाँ पे ये एक सर्कल है, ठीक है, ये ए, ये बी, ये सी, ये पी और ये क्यू पर टेंजेंट टच कर रहा है, ठीक है। अब आपसे ये पूछ लिया जाता है कि अगर आपसे ये बता दिया जाए इसमें कि ये साइड अगर ए है, यहाँ से यहाँ तक ए से पी तक ए दिया जाए, और पूछ क्वेश्चन इस तरह पूछता है कि इस ट्रायंगल का पेरीमीटर बताओ, ए बी सी, इस ट्रायंगल का पेरीमीटर बताना है, ठीक है। और इस तरह से कोई सर्किल इसकी जो साइड्स हैं उनको एक्सटेंड किया गया, और उनको एक्सटेंड करने पर एक सर्किल जो जो साइड्स एक्सटेंड की उनको टच करता है, और जो तीसरी साइड है उसको भी कहीं टच करता है, तो उस साइड को ए पी की वैल्यू दे दी जाती है। अब बोलता है ये वैल्यू बताओ, ठीक है, सॉरी पैरीमीटर बताओ इसका। तो डायरेक्ट अगर हम आपसे बोलें तो इसका अगर पैरीमीटर निकालने के लिए क्वेश्चन में आता है कभी भी परिमाप, तो इसका परिमाप जो होता है एक साइड दी होती है, ये साइड ए बी नहीं पता है, ए से लेके पी तक पता है वैल्यू, तो ये होता है टू ए। क्या होता है परिमाप इसका? पैरीमीटर टू ए, ठीक है। उसी तरह क्वेश्चन में अगर अब क्वेश्चन कैसे आता है, ये साइड आपसे कह दिया जाएगा कि ये जो साइड है ये है 10, तो इसका पैरीमीटर बता दो डायरेक्ट, तो आपको पता है कि इसका पैरीमीटर होगा 2 × 10 मीन्स 20। अगर आपको नहीं आता तो काफ़ी टाइम लगेगा, हो सकता क्वेश्चन कर ही ना पाए, ठीक है, अगर आपने ये नहीं पढ़ा होगा तो कर नहीं पाएंगे, ठीक है। हाँ, तो ऐसा तो होता है मैथ्स में, अगर क्वेश्चन हमने कभी किया नहीं है तो एग्ज़ाम में नहीं कर पाएंगे वो क्वेश्चन, ठीक है। सारे क्वेश्चन जब तक हम उस टाइप का क्वेश्चन किए नहीं होंगे तब तक हम नहीं कर सकते, तो वही चीज़ यहाँ पर भी है, ठीक है। देखिएगा बहुत इजी सा क्वेश्चन था, 10 अगर ये दी गई है तो पैरीमीटर निकालने के लिए बोलेगा सीधा 2 से मल्टीप्लाई करने आ जाएगा, 2 सेकंड का क्वेश्चन था, एग्जाम में आता है, छोड़ के चले जाते हैं। अच्छा देखिएगा कैसे आया है। अब आपको ये पता है ये एक टेंजेंट है, ये है ना टेंजेंट, और ये भी एक टेंजेंट है, तो थोड़ी सी बड़ी दिख रही है वो, हमने अभी आपको पीछे बताया था कि किसी भी सर्किल में अगर 2 टेंजेंट खींची जाती हैं, ठीक है, और वो दोनों एक दूसरे को इन एक्सटेंड भी कहीं पर या बाहर कट करें तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगी ना, इक्वल, हाँ, मतलब जितनी ये होगी उतनी ही ये होगी, तो ये कुछ बढ़ी हुई है ना लाइन, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक तो होगी ही, साथ में इधर वाली कुछ बढ़ी है ना, ये बढ़ी है लाइन ना, तो जितनी इधर बढ़ी है वो इधर ऐड हो गई है, वही चीज जितनी ये है उतनी ये है, तो इधर जितनी बढ़ी है, तो अगर हम आपसे कहें ये 10 वैल्यू है, 10 यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो अगर हम दूसरी लैंग्वेज में कहें कि 10 कहाँ से है, यहाँ से यहाँ तक है, तो 10 है क्योंकि वही तो ये जितनी ये है उतनी ये है, तो अगर यहाँ से यहाँ तक 10 है तो यहाँ से लेकर इधर चले फिर इधर मुड़ गए, यहाँ तक 10 है ना, ठीक है, यहाँ तक तो है 10, यही तो है। और उसी तरह अगर हम इधर बात करें, ठीक है, इधर बात करें तो जितनी ये होगी, ठीक है, उतनी ही जितनी यहाँ से यहाँ तक होगी उतनी ही अगर हम यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो यहाँ तक होगी, होगी ना, तो तभी इसका पैरीमीटर जो होता है वो 2 होता है। मींस अगर हम बात करें ये ट्रायंगल कौन सा था, इस ट्रायंगल को भी मैं बता देता हूँ, ये ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल था, ठीक है, ये दिया होगा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा तभी ये होगा, ठीक है, किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल का पैरीमीटर पूछेगा जिसमें एक ये दे दी जाती है, ठीक है, समझ में आ गया ना। तो 10 यहाँ से यहाँ तक था तो इधर वाली भी ऐड कर ली, यहाँ से यहाँ तक 10 था पूरा यहाँ से यहाँ तक, तो इतनी और ऐड कर ली, तो जो जो इतनी होगी इतनी उतनी ये वाली होगी यहाँ से यहाँ तक,
समझ में आ रहा है ना, तो इस पॉइंट को एस नाम दे देते हैं। जो बी एस होगी वो होगी बी पी, और जो सी एस होगी वही होगी सी क्यू। तो वही चीज होगी टेन इधर टेन टेन ट्वेंटी ट्वेंटी हो गया डायरेक्ट। आ गया समझ में ना। तो ये क्वेश्चन था, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलते हैं अगली प्रॉपर्टी पर। यहाँ पे देखिए एक अच्छा सा क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन आता है इस तरह की प्रॉपर्टी पर, सीधा क्वेश्चन ही है ठीक है। देखो यहाँ पे है क्या, दो सर्किल दिए हैं, एक सर्किल ये है और एक सर्किल ये है, ये दोनों सर्किल एक दूसरे को टच कर रहे हैं ऐसे एक्सटर्नली, बाहर से कहीं पे बाह्य स्पर्श कर रहे हैं। और जहाँ पे ये स्पर्श कर रहे हैं इस पॉइंट को हम समझ लेते हैं ए, समझ लेते हैं कि ए पॉइंट पर टच करते हैं। और यहाँ से कह देगा क्वेश्चन कि ये एक टेंजेंट ऐसी खींची गई तो दोनों को टच करता है, इसे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बोलते हैं ठीक है, उभयनिष्ठ शायद बोलते हैं हिंदी में। तो ये एक जो है दोनों को टच करती है, ये इसको इसको पॉइंट को हम पी बोल देते हैं, इसके पॉइंट को क्यू बोल देते हैं। और यहाँ से यहाँ पे टच करती है इस पॉइंट से, इस पॉइंट को मिला दिया और इस पॉइंट को मिला दिया ठीक है, ये ऐसे मिला दिया गया। अब आपसे ये कह देगा कि ये एंगल x है तो ये एंगल निकालो कितना होगा। पहले प्रॉपर्टी बता देते हैं फिर क्वेश्चन बताते हैं। ये एंगल कितना होगा, ये एंगल अगर x दिया है, ये एंगल दे दिया जाएगा और ये एंगल आपसे पूछ लेगा क्या होगी। तो पहले इस प्रॉपर्टी लिख लीजिएगा। अब आपको ये पता है कि ये एक टेंजेंट है, इस टेंजेंट से इस जहाँ पे टच करती है, यहाँ पे जब दोनों लाइन को मिलाते हैं तो यहाँ पे जो एंगल बनता है वो हमेशा याद रखिएगा वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 90 डिग्री का एंगल ये बनाती है। समझ में आ गया ना। अब आपसे ये 90 डिग्री हो गया तो ये तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, उसमें से ये 90 निकल गया, यानी कि इन दोनों एंगल का सम 90 डिग्री होता है, 90 होगा ना इन दोनों एंगल का सम, ये बचे हुए इन दोनों का क्योंकि ये 90 हो ही गया, 180 में से 90 निकाल देंगे 90 तो बचेगा, यानी कि इन दोनों एंगल्स का सम 90 बचेगा। तो अगर आपसे ये एंगल पूछ लिया जाता है तो ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस एक्स डायरेक्ट। समझ में आ गया ना ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आता है। तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, बस डायरेक्ट आपसे ये कह देगा कि ये एंगल 30 डिग्री कितना है, 30 अंश का, ये एंगल 30 डिग्री का है तो आपको ये बताना है। अब इसी में जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि जब दो ये कॉमन टेंजेंट है, जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, अगर इसको ये दोनों एक जहाँ पर इंटरसेक्ट करती है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं सर्किल, उनको टच करेंगे तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। सबसे मेन पॉइंट ये था, अगर ये नहीं पता है तब तक ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, अब हमें ये बताना था, तो अगर ये 30 है तो ये हमें बताना है, तो 90 माइनस 30 मतलब ये 60 हो जाएगा डायरेक्ट हमें ठीक है। 90 बताता है तो तीनों 180 होते हैं, 60 30 90 180 हो गया ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था इसलिए मैंने बताया ठीक है। हाँ चलिए, अब उस तरह के इजी क्वेश्चन नहीं आते कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट निकाल लो, ये निकाल लो, सारी सीकेंस जितनी प्रॉपर्टी हैं वो दी गई हैं, सब सिंपल सिंपल क्वेश्चन नहीं आते। जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्जाम में उस तरह से आपको क्वेश्चन बताना, ये पूरा पूछे हुए क्वेश्चन है ठीक है। आगे देखते हैं, ये एक सर्किल है, इस सर्किल को टच करता हुआ एक क्वाड्रिलेटर बनाया गया, जो इसको टच करता हुआ ऐसे जा रहा है ठीक है, ऐसे ये टच करता हुआ है, इसको हम नाम दे देते हैं ए बी सी डी ठीक है। ये ए बी सी डी ये एक है। अब इसमें पूछा क्या जाता है, ध्यान दीजिएगा, पहले प्रॉपर्टी देख लेते हैं फिर क्वेश्चन बताते हैं। इसमें ये पूछा जाता है कि इन दोनों इनके अपोजिट जो साइड्स हैं इनका जो सम होता है वो आपस में इक्वल होता है, मीन्स ए बी और डी सी, ए बी प्लस बी सी is equals to AB plus BC is equals to AD plus BC, AD plus BC ये प्रॉपर्टी है दोस्तों, ये थी प्रॉपर्टी ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसके भी साइड्स दे दी जाती हैं, ये सॉरी ये P है, ये Q है, ये टच कर रहा है यहाँ पर, ये R है, ये S है, इस तरह से इसकी साइड्स दी जाती है, DR की वैल्यू दी गई, RC की वैल्यू, इसकी इस तरह से सारी वैल्यू दे दी जाती है, तो एक वैल्यू पूछ लेता है इसमें क्वेश्चन में ठीक है। बस इस तरह से ये क्वेश्चन आता है, इजी सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन हम जब कराएंगे तब इस पर क्वेश्चन कराएंगे। अभी हम प्रॉपर्टीज़ बता रहे हैं, प्रॉपर्टीज़ आप नोट करते रहिएगा, इसको पढ़िए।
पढ़िएगा, सारी प्रॉपर्टीज बता रहे हैं, कुछ छूटेगा नहीं। ये जितनी प्रॉपर्टी आप पढ़ लेंगे, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं हुआ, सारे क्वेश्चन आपके इस प्रॉपर्टी से आएंगे। ठीक है, चलिए अगली देख लेते हैं। अगली क्या है, दो सर्किल हैं वो एक दूसरे को टच करते हैं, ये एक सर्किल है और ये एक सर्किल है, ये दोनों सर्किल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, और इंटरसेक्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन क्या पूछा जाता है उस चीज को जरा ध्यान दीजिएगा। पहले प्रॉपर्टी क्या है, ये जो सेंटर है इसका, ये इसका सेंटर है, इस पॉइंट को ये टच कर रहा है, इस पॉइंट को ये टच कर रहा है, इसको यहाँ से जोड़ दिया और यहाँ पे जो इसकी कॉमन टेंजेंट है वो हमने खींच दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है उस चीज को देख लेते हैं। ठीक है, ये P पॉइंट कर लो, इसको इसको Q कर लें, ये A हो गया, ये B पॉइंट है। ठीक है, ये A ये B हो, और ये जो इंटरसेक्ट कर रहा है इसको C समझ लेते हैं। अब क्वेश्चन क्या है, अगर इस तरह से क्वेश्चन कह रहा है कि दो सर्किल हैं एक दूसरे को इंटरनली इंटरसेक्ट करते हैं, उसकी जो कॉमन कॉर्ड है वो है AB, और आपसे उस कॉमन कॉर्ड की लंबाई पूछता है डायरेक्ट कि इसकी लेंथ बताओ क्या होगी AB की। ठीक है, तो अगर आपको AB की लेंथ पूछता है कभी भी, और इसमें ये रेडियस दे दी जाती है इसकी, की रेडियस के, इसकी रेडियस पता है, इसकी रेडियस पता है, तो कैसे क्वेश्चन करेंगे ध्यान दीजिएगा। पहले हम प्रॉपर्टी बता देते हैं, फिर क्वेश्चन बताते हैं कैसे आता है। अगर आपसे इसमें AC की वैल्यू पूछता है कि AC की वैल्यू बताओ क्या होगी, ठीक है, तो AC की वैल्यू क्या होगी ध्यान दीजिएगा, AC की वैल्यू होती है कि ये इसकी रेडियस, इस वाले सर्किल की रेडियस और इस वाले सर्किल की रेडियस, ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई, तो PA इंटू AQ, ऐसे करेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। ठीक है, दोनों सर्किल रेडियस रख लेंगे, दोनों सर्किल की, उन दोनों का मल्टीप्लाई अपॉन में ये जो सर्किल, इसकी जो ये दोनों सेंटर्स के बीच की दूरी PQ, ठीक है, PA और AQ अपॉन में PQ। ठीक है, ये हो गई AC की वैल्यू, और हमें ये पता है कि जो AC होती है, ये जो लाइन होती है सेंटर से खींची जाती है, ये इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, मीन जो AC है वो 2AB के बराबर है, मीन्स अगर हम आपसे AB पूछें तो 2AC होती है, AB की वैल्यू क्या 2AC, ठीक है, AC का 2 टाइम्स, क्योंकि ये जो लाइन खींची जाती है सेंटर से वो कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, ये लाइन खींच दिया तो AB को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, तो वही AC की वैल्यू यहाँ पर रख लें, तो डायरेक्ट इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2PA into AQ upon में PQ। ठीक है, ये AB की वैल्यू होगी। तो कभी भी आपसे अगर डायरेक्ट पूछा जाता है कि दो सर्किल हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं एक्सटर्नली, तो उनकी जो कॉमन कॉर्ड है उसकी लंबाई बताओ, तो दोनों की रेडियस रखेंगे, उन दोनों का मल्टीप्लाई अपॉन उनके सेंटर के बीच की दूरी मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन पूछता है इतनी AC, तो टू से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे बस, ठीक है, डायरेक्ट कर लेंगे। वैसे इसका दूसरा भी तरीका होता है करने का, जो बेसिक तरीका है, जो बेसिक होता है, ये रेडियस दी गई है, ये रेडियस पता होगी आपको, ठीक है, ये रेडियस पता होगी, और आपको ये पूरी लेंथ दी गई होगी, इसको एक्स सपोज कर लेंगे और ये लेंथ निकाल देंगे। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे ये रेडियस पता होगी, इसको ये भी आपको, जैसे मैं क्वेश्चन बता देता हूँ, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन ही बता देता हूँ, इसको मैं यूज करता हूँ, नोट कर लीजिएगा। अब अगर ये फॉर्मूला नहीं याद होता है तब कैसे करेंगे, तब क्वेश्चन में अगर दे दिया जाता है कि इसकी रेडियस है 10, इसकी रेडियस है 15, ठीक है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है 8, कितनी है 8, पहले 8, ये पूरी यहाँ से लेकर 8 है, तो हम इसको x सपोज कर लेते हैं, इस वाली लाइन को हम x कर लेते हैं x, तो ये कितनी होगी 8 माइनस एक्स, यही तो होगी, तो हमें AC निकालनी है, ये हाइपरटेन्यूज है, ये बेस है, ठीक है, ये कर्ण है, ये आधार है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है 10, कर्ण स्क्वायर 10 स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस PC, PC क्या है x स्क्वायर, यहाँ से अगर AC की वैल्यू निकालो तो क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, उसी तरह अगर यहाँ पर वैल्यू निकालो यहाँ से 15 स्क्वायर ये 8 माइनस एक्स स्क्वायर, तो उसी तरह वहाँ पर 15 स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा AC स्क्वायर, ठीक है, AC स्क्वायर हो गया,
ए सी स्क्वायर वो इधर क्या हो गया प्लस 8 माइनस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर हो गया। यहाँ से ए सी की वैल्यू निकाल दो, तो यहाँ से अगर या फिर ये जो ए सी की वैल्यू निकाली ना हमने, यही वैल्यू यहाँ पे रखना है हमको, तो यहाँ पे रख लो 15 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस 8 माइनस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर हो गया ना। यहाँ से वैल्यू सॉल्व कर लेंगे, एक्स की वैल्यू निकल आएगी, एक्स की वैल्यू यहाँ पे रख लेंगे, ठीक है। फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ये वाली साइड निकल आएगी ए सी, और जो ए सी निकल के आएगी उसको टू से मल्टीप्लाई करेंगे, ए भी निकल आएगी। तो प्रोसेस लंबा था ना बड़ा, उस तरह से नहीं करना हमें एग्जाम में, ठीक है, हमें तो जल्दी से करना है। तो जल्दी से क्या करना है, दोनों की तुरंत रेडियस रखी और अपॉन में क्या किया, दोनों की रेडियस का मल्टीप्लाई अपॉन में जो उनके बीच के सेंटर के बीच की डिस्टेंस दी होगी वो, ठीक है, वो रख लेंगे, बस डिवाइड कर लेंगे, टू से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो पूरी निकल आएगी ए बी, अगर नहीं टू से डिवाइड करेंगे तो सिर्फ ए सी निकल के आएगी, ठीक है। तो ये हो गया, अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। अगली प्रॉपर्टी क्या है, इस तरह से दो सर्किल हैं, वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उनके सेंटर से होके जा रहे हैं, पिछले वाले में भी सेंटर से होके जा रहे थे। इसमें क्या है, अगर ऐसा कभी भी आता है कि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मींस अगर ये रेडियस सबसे कह दे आर है, ये आर है और इनके बीच की डिस्टेंस ये भी आर है सेंटर्स की, ठीक, ये तीनों अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लेते हैं तब के लिए क्या है, तब अगर आपसे पूछा जाए कि ए सी की वैल्यू बताओ, ये सी है जैसे हमने उसमें बताया था, तो आपको डायरेक्ट याद रखना है कि उस समय जब ए सी की वैल्यू होती है वो होती है √3/2r, याद रखिएगा। अब एग्जाम ऐसे नहीं होता, ठीक है, हमें सबसे आगे निकलना है, 25 क्वेश्चन 15 से 14 पर से 15 मिनट के अंदर करने होते हैं, तो आप अगर बेसिक से करेंगे ना इस क्वेश्चन को तो आपसे 2 से 3 मिनट लगेगा। आपको हर एक प्रॉपर्टी को अच्छे से याद करना है। इस तरह से अगर क्वेश्चन आता है कभी भी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तब अगर ए सी की वैल्यू पूछेगा तो आपको पता है कि √3/2r होता है, लेकिन ए सी नहीं पूछा जाता, कॉर्ड पूछी जाएगी पूरी ए बी, तो ए बी होता है 2AC होता है ना ए बी, तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे 2√3/2r, ये 2 कैंसिल हो गया तो √3r डायरेक्ट याद रखेंगे कि अगर कभी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाता है, दो सर्किल आपस में इंटरसेक्ट करते हैं और इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाता है, तब √3r होती है डायरेक्ट, यानी कि बस रेडियस हमें पता है, हमने सपोज कर दिया आपसे कि इसकी कॉर्ड बताओ, इसकी रेडियस दोनों की पता है कि 6 है और आपसे पूछा जाए कॉर्ड, क्वेश्चन पेन नहीं उठाना है, क्वेश्चन को डायरेक्ट कर देना है कि 6√3 हो गया, ठीक है, बस क्वेश्चन देखा आंसर आ गया, 2-3 सेकेंड का क्वेश्चन था, ठीक है, अगर सॉल्व करेंगे तो 3-4 मिनट तो लगेंगे, ठीक है, और उससे आगे रहना है। तो यही चीज़ें हैं, जब हम कोई भी क्वेश्चन 14 से 15 मिनट के अंदर 25 क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चे, तो वही बच्चे कर लेते हैं जो इस तरह से करते हैं, ठीक है, समझ में आ गया ना। तो हमें बस याद रखनी है प्रॉपर्टीज़ हैं, गिनी चुनी प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर पूरे ज्योमेट्री में देखें तो 100-150 के आसपास, 100-125-130 के आसपास सारी प्रॉपर्टीज़, बस एक बार रट ही तो लेना है, इतनी बड़े बड़े हिस्ट्री ज्योग्राफी सब कुछ हम लोग रट लेते हैं, तो बस प्रॉपर्टीज़ तो एक बार रट लिया 125-130, कोई भी क्वेश्चन आए 2-10 सेकंड मैक्सिमम 15-20 सेकंड के अंदर सारे क्वेश्चन हो गए, मैक्सिमम 20 सेकंड के अंदर कोई क्वेश्चन ऊपर नहीं लगेगा, ठीक है, चलते हैं आगे के क्वेश्चन, ये समझ में आ गया ना। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल आता है तो इस तरह से करेंगे, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं होता है, तब हमने अभी आपको बताया था कि बता देता हूँ यहीं पर, अगर ये इक्विलेटरल नहीं होता ये ट्रायंगल जो बनता है, अब आपको कॉर्ड पूछे, तब जो फॉर्मूला था ए बी इज इक्वल्स टू टू इस वाली लाइन ए पी पी ए इंटू ए क्यू इंटू अपॉन पी क्यू, ये तो था बस हो गया, इसमें वैल्यू रखेंगे ए बी की वैल्यू रखेंगे, और पूछा ही जाते हैं क्वेश्चन, बिल्कुल कॉर्ड पूछ लिया जाता कि दो सर्किल एक दूसरे के, आता ही आता है हर एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन, एसएससी तो खास करके कॉर्ड दो कॉमन कॉर्ड पूछ लिया जाती है, दो सर्किल आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं कॉमन कॉर्ड बताओ। अब हम औरों से आगे रहेंगे, 5 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, चलते हैं आगे की प्रॉपर्टी देखते हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं अगली प्रॉपर्टी पर। अगली प्रॉपर्टी क्या है, कोई भी दो सर्किल है, कॉन्सेंट्रिक सर्किल है, ध्यान दीजिएगा जरा क्या है कि एक सर्किल ये है
एक इसका सेंटर ये है, इसी में एक सर्किल ये बना है, दो सर्किल हैं। अगली प्रॉपर्टी ये कहती है कि ये दोनों सर्किल कंसेंट्रिक हैं, यानी कि एक ही सेंटर है इनका, और इसमें से एक ऐसी कॉर्ड खींची जा रही है जो इस सर्किल को टच करती हुई जाती है, मीन्स टेंजेंट है इस सर्किल का। और इसकी जो रेडियस है ये आर वन है, और इसकी जो रेडियस है वो है आर टू, और इस पॉइंट को हम ओ कह देते हैं, इस पॉइंट को ए, इस पॉइंट को बी, इस पॉइंट को सी। अब आपसे इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन ये कहता है कि इसकी कॉर्ड बताओ। अभी हमने आपको दो तरह से क्वेश्चन बताया, हमने बताया जब इंटरसेक्ट करते हैं तब क्या होगी कॉर्ड, और जब टच करते हैं कंसेंट्रिक सर्किल होगा, अंदर सर्किल बना होगा, उस समय कॉर्ड क्या होगी। ठीक है, यहां पर भी आपसे ए बी निकालने के लिए बोलेगा। ठीक है, तो अब ए बी अगर निकालें तो पहले हम ए सी निकालना आपको बता देते हैं, डायरेक्ट ध्यान दीजिएगा, ये हाइपरटेन्यूज से ये परपेंडिकुलर, ये बेस है, ए सी निकालना है हमें। तो आपको पता है कि हाइपरटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर आर वन स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, यही तो होगा। यहाँ से अगर हम ए सी निकालें तो ए सी स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आर टू स्क्वायर माइनस में आर वन स्क्वायर हो जाएगा। अब हम ए सी की वैल्यू यहाँ से निकालें तो अंडर रूट आर टू स्क्वायर माइनस में आर वन स्क्वायर, आगे समझ में एसी की वैल्यू आ गई। लेकिन हमें कॉर्ड पूछेगा तो कॉर्ड की डायरेक्ट वैल्यू याद रखनी है, ए बी इक्वल्स टू टू ए सी होता है, कॉर्ड तो दो लाइन होती ना, ये सेंटर जो होता है इस सेंटर से इस कॉर्ड पर अगर हम कोई भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, सेंटर से कॉर्ड को अगर मिलाएंगे तो सेंटर को एक कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, 90 डिग्री का एंगल भी बनाता है, ये चीज हमने आपको पहले बता चुके हैं। ये दो इक्वल पार्ट्स में मींस एसी और बीसी आपस में बराबर है, मींस ए बी इक्वल्स टू टू ए सी। ठीक है, तो ए बी की अगर वैल्यू निकालेंगे ए सी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, मीन्स डायरेक्ट याद रखना टू अंडर रूट आर वन स्क्वायर सॉरी आर टू स्क्वायर माइनस में आर वन स्क्वायर, ये होगी ए बी कॉर्ड। समझ में आ रहा ना ये कॉर्ड की वैल्यू आगे, तो ये इस तरह से इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन आता कैसे है इस चीज को ध्यान देंगे। क्वेश्चन ये बोलता है कि दो सर्किल हैं, उन बड़े वाले जो सर्किल है उसकी जो रेडियस है वो 10 है, और जो छोटा वाला सर्किल है उसकी जो रेडियस है वो है 8। ठीक है, बड़ा वाला सर्किल उसकी रेडियस 10, छोटे वाले सर्किल की रेडियस 8, वो दोनों सर्किल कंसेंट्रिक है और उन पर एक कॉर्ड खींची जा रही है जो छोटे वाले सर्किल को टच करती है, उस कॉर्ड की लेंथ बतानी है। ठीक है, तो अगर हम ऐसा क्वेश्चन आता है कभी भी तो हमें करना क्या है, पहला वाला जो बड़ा वाला सर्किल है उसकी जो रेडियस है उसका स्क्वायर 10 का स्क्वायर करेंगे 100, और डायरेक्ट याद रखिएगा 10 का स्क्वायर करेंगे 100, छोटा वाला सर्किल, छोटे वाले सर्किल की रेडियस है 8, 8 का स्क्वायर करेंगे 64 हो गया, दोनों को माइनस कर लेंगे स्क्वायर करने के बाद तो कितना आएगा 36, इस 36 का रूट निकाल लेंगे, क्या निकालेंगे रूट, रूट क्या आएगा 6, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे हो गया ना, बस इतना ही करना था, इतना बड़ा क्वेश्चन इतना करना था, मैक्सिमम 3 से 4 सेकंड का टाइम लगा। ठीक है, अगर कभी भी क्वेश्चन आता है दोनों सर्किल की जो रेडियस देंगे उनका स्क्वायर करके माइनस कर लेंगे, उसका रूट निकाल के 2 times कर लेंगे, हो गया, समझ में आ गया ना दोस्तों। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करना था, या इसमें वैल्यू रख के कर लेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे फिर वैल्यू रखेंगे तब करेंगे। ठीक है, चलो ये हो गया दोस्तों, ये थी आज की कुछ प्रॉपर्टीज हमने आपको बता दी, अभी और भी प्रॉपर्टीज बची हुई हैं। ठीक है, वन बाय स्टेप हम आपको प्रॉपर्टीज बताते रहेंगे, अगली क्लास जो हमारी आएगी उसमें हम जो बचे हुए प्रॉपर्टीज हैं वो बताएंगे, अभी और भी प्रॉपर्टीज हैं, एक क्लास और चलेगी जिसमें सर्किल की सारी प्रॉपर्टीज खत्म हो जाएंगी। ठीक है, इसके बाद हम सर्किल जो प्रॉपर्टीज हैं, हर प्रॉपर्टीज पर वैसे मैं क्वेश्चन बता ही देता हूँ, और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन वो मैं बता दूंगा, इसके बाद अगले टॉपिक पे चलेंगे, ज्योमेट्री का अगला टॉपिक, इसके बाद जैसे ही सारे टॉपिक खत्म होंगे, साइज़ के बाद एक लास्ट टॉपिक है वो खत्म हो जाएगा, और इसके बाद हम सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के करते रहेंगे। ठीक है, हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर के जो आज तक एसएससी ने पूछे, वो सारे क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, बस आप लोगों का एक ही काम है, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करते रहिएगा और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, अगर आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसे शेयर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की क्लास, अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।